तो कल देर शाम सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज उसी के आक्रोश में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी विनीत ने। राम प्रवेश सिंह की हत्या के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कल की घटना के बाद रांची सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला है और शांतिपूर्ण ढंग से अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रांची सिविल कोर्ट से ये मार्च निकला है और फिलहाल तक जाकर ये सभी अधिवक्ता रांची सिविल कोर्ट के अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि जो घटनाएं लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ घट रही हैं, जो हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ है, उससे रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पूरी तरह से आक्रोशित हैं। हमारे संग रांची सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभु अग्रवाल जी हैं। शंभु अग्रवाल जी, इस पूरी घटना को किस तरह देख रहे हैं और आज के आंदोलन के बारे में बताइए। आज तो जो हम लोग आंदोलन किए हैं, हमारे साथी राम प्रवेश सिंह का निर्मल जो हत्या की गई है उसी के विरोध में हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जिससे हम लोग ये आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन अभियुक्तों को जल्दी जल्दी पकड़े और उसके न्याय जल्दी से मिले। अभी सिर्फ आप लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से मार्च है, उसके बाद अगर प्रशासन की तरफ से कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है या फिर गिरफ्तारी दो लोगों की हुई है, बाकी अक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? इसके लिए रणनीति हम लोग कल बना सकते हैं, अभी तो हम लोग कुछ इसके बारे में नहीं बनेंगे, लेकिन विश्वास है कि प्रशासन लगे हुए हैं, जो अभियुक्त पकड़े हैं और जो भी अभियुक्त जिसमें संपर्क है उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से रांची में ध्वस्त हो चुका है, ये कहना है रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का, और वो अब रांची में रांची सिविल कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता हैं वो कहीं से भी खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं। सहयोगी पवन के साथ विनीत उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। रुक रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक के लिए।